ऑनलाइन सेमेस्टर ने हमारे अंदर एक छोटी छोटी सी नहीं, एक बहुत बड़ी सी गड़बड़, वो पहले भी है लेकिन उसको उसको बड़ा कर दिया है। पिछले साल जो हमने ऑनलाइन लर्निंग की है ना, मुझे डर लगता है कि दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ यू, आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो ये है कि जब आप ऑनलाइन असेसमेंट एक्टिविटीज एक्सिक्यूट करते हैं, आप कोई एग्जाम करते हैं, तो जो लोग बिल्कुल ईमानदारी से और ऑनेस्टली एग्जाम को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे जस्ट न्यू कि अगर उन्होंने क्राइटेरिया फॉलो करने, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग, लाइक इफ देर आर 32 स्टूडेंट्स आर यूजिंग इंटरनेट बुक्स एंड एसोसिएटेड यू नो सपोर्ट इन आंसरिंग ड्यूरिंग एन असेसमेंट एक्टिविटी, आप कैसे बाकी 3 स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे शुड फॉलो द प्रिंसिपल, दे शुड फॉलो द लॉ। उनके लिए भी वेरी डिफिकल्ट एज ए ह्यूमन बींग, अगर मैंने ऑनेस्टली आंसर करने की कोशिश की, आई माइट नॉट बी एबल टू कम्पीट विद अदर स्टूडेंट्स। तो जो सिस्टम बन गया अनफॉर्चुनेटली, उस सिस्टम के अंदर जो ऑनेस्ट एक्सिक्यूशन ऑफ असेसमेंट है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाने वाली नहीं है, यानी कि उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आता है। ये एक इंतहाई गलत खतरनाक टीचिंग है जो मैं चाहता हूं कि आप तक नहीं पहुंचे, कि आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोचना शुरू कर दें कि ऐसा करने का फायदा होता है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि नहीं, ऐसा करने का फायदा नहीं होता है। फायदा जो है वो ऑनेस्ट और एक्यूरेट एक्सिक्यूशन ऑफ द जॉब और टास्क से ही होता है। अब इसको मैं कैसे आपके दिल तक या आपके तक पहुंचाऊं, उसके लिए ये सारा कुछ जो है ना वो इस सेमेस्टर में जो जो ज्यादा खजल खुआरी बैक एंड के ऊपर हो रही है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। आई वॉन्ट टू लेट यू नो के इफ यू आर लाइक क्रिएटिंग अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट विदाउट नोइंग मच अबाउट दैट थिंग, दैट अल्टीमेटली विल नॉट गोइंग टू एड इन टू योर ग्रेड्स। I will make it sure. I will dig it out. I will mine it to get the reason. So, मुझे आप लोगों के जो accurate, honest contributions हैं, मुझे उसको support करना है। कहीं आपके दिल में ये ना रह जाए कि अगर सबके सब लोग cheat कर रहे हैं, so if I don't cheat, then I will be left behind. So, आपको ये feel हो गया अगर आपने effort किया है, honestly मान तो एक कोई there is a person who will chase it down, who will try to you know investigate postmortem करेगा इसका, eventually find out कि you have actually executed that activity with how much hard work and effort. It's very difficult. I believe you can sense the pressure for that. It's a choice ना, अगर हम pressure ना ले तो ना उसी की कर लेना, मतलब दूसरी अपने कार अगले semester में you can write anything about all this. लेकिन at the end of the day शायद मेरा ये मानना और समझना है कि जैसे नहीं कहना चाहिए वैसे, लेकिन कि जो हकूकुल्ला होते हैं, जो आप अल्लाह ताला के हकूक अदा नहीं कर पाते हैं, तो शायद उसके ऊपर तो छुट्टी मिल जाती है कि 2-4 थप्पड़ लगा के उसको शायद छुट्टी मिल जाए, बट नोबडी कैन गेट अवे विद द थिंग्स जो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होती है। नोबडी, ये बहुत बड़ी बात है, इससे कोई नहीं अपनी जान छुड़ा सकता, इसका कोई आंसर नहीं है। इफ यू आर प्रोफेशनली डिसऑनेस्ट पर्सन, If you're not trying, एक होता है ह्यूमन लिमिटेशंस कि मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गया ना, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, मैं कैसे पता लगाऊं, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, ह्यूमन लिमिटेशंस आउट देयर, बट द नेचर, द गॉड, अल्लाह, ही नोज़ के वेदर यू आर पुटिंग दैट मच एफर्ट टू फाइंड द राइट थिंग्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप किसी एक इंसान के साथ चीट करते हैं ना, आप एक इंसान को चीट करते हैं, क्या पता कल को वो बंदा इतना काइंड हो वो के यार जा डॉक्टर मुस्तफा मौज का माफ किया, बट से फॉर द सेक ऑफ अदर थिंग्स एंड ऑल दिस। जब आप एक पब्लिक पोजीशन के ऊपर वेयर यू आर डीलिंग विद द पीपल एंड द मैसेस, गवर्नमेंट सेक्टर में या सरकारी इदारों में या स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में, व्हेन यू आर डूइंग डिसऑनेस्ट थिंग्स हियर, आई मीन I don't think so that you will ever be able to get out of the consequences. Possible नहीं है। देखो मैंने खुदा ना खास अल्लाह ना करे एक इंसान ने करप्शन किया, उसने सड़क खराब, उसने अवाम का पैसा खाया, मतलब किसी एक बंदे का खाया हो तो बंदा उसके जाके गोटे पकड़ लेता कि भाई जान जरा माफी दे देना मुझे। How about you can get relief of that thing? अगर आपकी एक जॉब है एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, एंड यू आर नॉट एक्सिक्यूटिंग दैट जॉब,
And how you will going to compensate that thing out of the students after that? कि यार वो मैंने आपसे ही काम नहीं किया. मैंने मैंने आप लोगों को कुछ चीजें सिखानी थी, मैंने नहीं सिखाई. मैंने कुछ चीजें बतानी थी. मैंने I am supposed to spend my time with you like this. I am supposed to share my thoughts and learning with you guys. और मैंने वो नहीं किया. So there will be no way out of this situation. ये बहुत खतरनाक बात है. I don't know इसका pressure जो है वो आपको मैं फील करवाने में कामयाब हो जाऊं कि ये आप इंसान को सोने नहीं देती है रात को बात ये. Whether you are like and I can tell you कि if you are putting that much effort to find the right things, human limitation से कभी कभी ये होता है. मतलब ऐसा बेशुमार होगा और मैं आपको बता सकता हूँ बेशुमार स्टूडेंट्स होंगे. I might not be able to find out. बेशुमार स्टूडेंट्स होंगे जिनका ग्रेड ज्यादा होगा और शायद मेरी मेरी कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए. जिनका कम होगा लेकिन somehow I fail to figure it out उनका उससे ज्यादा हो जाए. लेकिन नेचर ये नोट करती है कि आपने एफर्ट कितना किया है उसको पकड़ने का. हाउ मच यू एफर्ट यू पुट टू एग्जीक्यूट योर जॉब. तो ये मेरी जॉब है जिसको हम करने की पूरी कोशिश करें.